रितेश, आपकी इंस्पिरेशन क्या है? इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आपने बनाई है इतने कम उम्र में. पहले तो आप अपने बारे में भी थोड़ा बताएं कि आपकी बैकग्राउंड, आप कैसे, लोग ये भी जानना चाहते हैं, आप राउरकेला में थे शायद, उड़ीसा में थे? राउरकेला इज मोर बेटर नोन, आई वाज इन रायगढ़ा, southern half of Odisha. You were in the even more remote area. Tell me your story from there and what inspired you to do this. And now that you have done this at such a young age, your whole life is ahead of you. What is your plan next and what keeps you going? सबसे पहले तो आज मैं बात कर रहा हूँ स्वामी जी और अर्नब, दोनों सेम डाइस में हैं. एक जो हमारे देश के, मैं ये नहीं कहूँगा मीडिया इंडस्ट्री, हमारे देश के सोचने का तरीका बदल रहे हैं, और एक मेरे ही नहीं हजारों और एंटरप्रेन्योर्स के इंस्पिरेशन है. दोनों के साथ में सेम डाइस में, बहुत सौभाग्य है मेरा. सो पूरे इन ऑल माय लाइफ टाइम मैं जितने लोगों से मिला हूं, और मैंने कहा कि रायगढ़ा जिला से मैं हूं, उड़ीसा में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर में ही आती है. तो आज तक मुझे कुछ 6 या 7 लोगों ने बोला है उन्होंने वो जगह का नाम सुना है. तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं कई बार, मैं जितनी जगह जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं उस जगह का नाम कहता रहूँ, ताकि कम से कम ज़्यादा लोग बोलने लगेंगे कि रायगढ़ा नाम का भी एक ज़िला है. बट द प्लेस आई केम फ्रॉम, लगभग 75% पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. तो बट आई हैड नो क्वाल्म्स, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं वहाँ से हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है वहाँ से. द रीज़न इज, जब आप वहाँ ऐसी शहर से होते हैं और आपने कुछ भी और नहीं देखा बाहर, तो आप जहाँ पर हैं आपको बहुत खुशी है उससे. तो जब तक मैं बाहर जाकर के सारी देश और दुनिया देखा नहीं, मुझे लगा कि यही सबसे मॉडर्न जगह है. एज ए यंग किड आई सोल्ड FMCG प्रोडक्ट्स, सिम कार्ड्स, जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में होता था. सिम कार्ड बेचा मैंने समर्स के समय में, और बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ नया करते रहो हमेशा. और मैंने कभी भी उसे बिजनेस की तरह सोचा नहीं, बिकॉज उस समय पैसों का कोई मोल होता नहीं है. उस समय बस ये नई कुछ चीज करते रहना है, उसका इंटरेस्ट रहता था. राइट आफ्टर माई 10th grade आई केम टू द नॉर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया, और पहली बार मैंने देखा कि शहरों में लोग कैसे नई नई सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, और मुझे लगा काश मैं भी कभी कोई एक कंपनी अपनी खुद की बनाऊं. 12वीं कक्षा के बाद देयर 6 months यूनिवर्सिटी और स्कूल के बीच में, तो उन 6 महीनों में मैंने बोला कि आई विल स्टार्ट अ कंपनी एज अ हॉबी, राइट? And that has, of course, eventually transformed into becoming not just India's largest hotel chain, China's top 5 hotel chains, but the world's top 10. And by 2023, goosebumps, beautiful. But इस process में 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छे सीखने को मिली. सबसे पहली चीज, हमारे देश में perseverance, यानी कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है. कई लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वन थिंग दैट डिफरेंशिएट्स पीपल हु आर एबल टू कंटिन्यू स्टेइंग ऑन, और जो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं. कई लोग नई एंटरप्रेन्योरशिप की कोशिश करते हैं. मैंने हमेशा सीखा है कि परसेवरेंस बहुत ज़रूरी होता है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने कहीं हमारे ऑफिस में बोलते होते कह दी, फिर मुझे लगा हाँ ठीक ही बात बोली है. एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज एटलीस्ट अ 5-year-old स्टोरी. यानी जो भी आप सक्सेस सोचें कि ओवरनाइट है, वो कम से कम 5 साल से वो इंसान उस चीज़ के पीछे लगा हुआ है. और अगर नहीं है तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट सक्सेस. सेकंड जो चीज़ मैंने सीखी इस पूरे समय में इज लीडरशिप, और लोग जो आपके आसपास हैं उनका भी वो मिशन ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है. मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जहाँ से शुरू किया मैंने, अगर मैं वहीं वापस चले जाऊँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगी जिंदगी में. बट इफ आई, कभी भी अगर ये रिग्रेट होना पड़े कि मैं जो सारे दुनिया भर के लिए करना चाहता था उसके लिए मैंने पूरी एफर्ट नहीं डाली या उतना रिस्क नहीं लिया, तब मुझे बड़ी तकलीफ होगी. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे हमेशा से लगता आया कि हॉस्पिटैलिटी या होटल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आज तक इट इज ऑलवेज द प्लेग्राउंड फॉर द रिच. बट हमारे देश में 1 billion से ज्यादा लोग साल भर में ट्रेन में, बस में, छोटी गाड़ी में, ऑलमोस्ट 75-80% ऑफ द पॉपुलेशन एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, चाहे वो पिलग्रिमेज के लिए हो,
छुट्टी मनाने के लिए हो, काम से हो, और उन सब के लिए किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी कैसे बेहतर की जाए. आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारी तो सारी हॉलीडे वॉज पिलग्रिमेज. कभी कुंभ मेला ले गए परिवार वाले, कभी तिरुपति ले गए, एंड लॉट ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज विल रिलेट विद इट. और उस पूरे पीरियड में इट यूज टू बी लाइक द हार्डेस्ट थिंग टू सॉल्व फॉर, कि कहाँ जा करके रहेंगे. माई व्यू इज दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया अलोन. सारी दुनिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए बेहतर लिविंग स्पेस इज अ ह्यूज चैलेंज, एंड आई विश टू बी वन ऑफ दोज पीपल हु ब्रिंग्स बेटर लिविंग स्पेसेस फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. और ये करते हुए क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल चेन बाई 2023 इज वॉट वी एस्पायर टू क्रिएट. फैंटास्टिक.